अब इसके बाद हम देख रहे हैं कोल राश लो। कोल राश लो क्या बोलता है कि एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल कैटायंस एंड एनायंस इन सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल लॉ है ये। क्या बोलता है कि अगर मेरे पास ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट के क्या देगा मुझे, ए प्लस और बी माइनस। लॉ क्या बोलता है ये कि ए बी अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो ये टूट के दे रहा है ए प्लस और बी माइनस। ठीक, तो इस पे लेमडा इन्फाइनाइट अगर ए बी की पूछी जाए तो ये बराबर होगी लेमडा इन्फाइनाइट ऑफ ए प्लस प्लस लेमडा इन्फाइनाइट ऑफ बी माइनस मोलर कंडक्टिविटी की टर्म। यानी कि जितने भी वहां पे केटायन और एनायन होंगे उन सबकी मोलर कंडक्टिविटी का योगदान होगा टोटल मोलर कंडक्टिविटी में। ठीक है, और डेफिनेशन सिर्फ वैलिड है कहां पर, इन्फाइनाइट डाइल्यूशन। इस लाइन का क्या रोल है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हुआ तो जैसे मैं इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जाऊंगा ओस्टवाल्ड लॉ से, दैट विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हमने इन्फाइनाइट डाइल्यूशन लिया हुआ है तो इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ये लॉ है अपना ओस्टवाल्ड का, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे वीक और स्ट्रांग में कोई फर्क नहीं है। यानी कि अगर मैं HCl स्ट्रांग एसिड लेता हूं 100% टूटता है इनिशियली, अब पानी मिलाओगे तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं तो मान लो 5% टूट रहा है और जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करता जाऊंगा वैसे वैसे उसका डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, जैसे इन्फाइनाइट डाइल्यूशन आएगा वो 100% टूट जाएगा। तो इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पहुंचने के बाद चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो दोनों ही 100% टूटते हैं। अब हम क्या करेंगे, चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो उसको पूरा तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद जो आयन बने उन सबकी मोलर कंडक्टिविटी का सम क्या कर देंगे, टोटल मोलर कंडक्टिविटी। यही लॉ है कोल राश लॉ। चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं सबसे पहले NaCl के लिए। NaCl के लिए लेमडा ई टोटल क्या होने वाला है इज इक्वल टू लेमडा ई, अच्छा इन्फाइनाइट ऊपर लगाएंगे हम इस तरीके से, लेमडा एम की बात करूं पहले मैं, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम एन ए प्लस और साथ में लेमडा एम इन्फाइनाइट सी एल माइनस। ये बात समझ आ रही होगी सबको, क्या चीज कर रहे हैं अपन कि एन ए प्लस की कंडक्टिविटी प्लस सी एल माइनस की कंडक्टिविटी का सम अपन लेमडा एम इन्फाइनाइट एनएसीएल के लिए टोटल बोल रहे हैं। ध्यान रहे अगर कहीं पर लेमडा एम इन्फाइनाइट, या मैं इसको लेमडा एम जीरो भी लिख सकता हूं, इन्फाइनाइट को हम जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्फाइनाइट का मतलब यह है कि यहां वॉल्यूम टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है और जब वॉल्यूम टेंडिंग टू इन्फाइनाइट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू क्या होगा, तो वो चाहे तो जीरो लगा दे ऊपर चाहे इन्फाइनाइट लगा दे। इन्फाइनाइट मतलब समझ जाओगे वॉल्यूम इन्फाइनाइट, जीरो मतलब कॉन्सेंट्रेशन जीरो। ठीक, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं यहीं पर एनएसीएल के लिए लिखता हूं, लेमडा ई इन्फाइनाइट एनएसीएल
तो ये चीज होगी लेमडा ई इन्फाइनाइट एन ए प्लस प्लस लेमडा ई इन्फाइनाइट सी एल माइनस, ये ब्रैकेट में कर देंगे अपन इस तरीके से। तो जैसे लेमडा एम का एक्सप्रेशन है वैसे लेमडा ई का एक्सप्रेशन इस केस में, ठीक। अब देखो फर्क किसमें आएगा, मैंने एग्जांपल लिया MgCl2, तो MgCl2 के लिए लेमडा एम इन्फाइनाइट फॉर MgCl2 इज इक्वल टू लेमडा एम इन्फाइनाइट Mg प्लस टू प्लस लेमडा एम इन्फाइनाइट Cl माइनस, और यहां पे आगे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अगर MgCl2 टूटेगा तो एक मोल से एक मोल तो Mg प्लस टू मिलेगा और दो मोल मिलेंगे Cl माइनस। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी अपन पर मोल डिफाइन कर रहे हैं, तो Cl माइनस की अगर पर मोल के लिए x हुई तो सॉल्यूशन में तो दो मोल पड़े हुए ना Cl माइनस, तो कितना हो जाएगा 2x। तो मोलर कंडक्टिविटी लिखते समय हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी ध्यान में रखेंगे। अगर मैं इसी चीज के लिए लैम्डा ई लिखूं, ठीक है, लैम्डा ई इन्फाइनाइट MgCl2, तो ये आएगा लैम्डा ई इन्फाइनाइट Mg प्लस टू प्लस लैम्डा ई इन्फाइनाइट Cl माइनस। अब मैं यहां पे दो नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि हमेशा एक की रिएक्शन एक से ही होती है, एक टूटेगा तो एक एक ही प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आप लेमडा एम लिख रहे हो तो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, लेमडा ई लिख रहे हो तो फिर आप स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन को भूल जाइए, सिर्फ ये लिख दीजिए कौन कौन से आयन वहां पर पड़े हुए। अगर हम लिखते हैं लेमडा एम इन्फाइनाइट फॉर एल टू एसओ फोर होल थ्री, ठीक, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 लैम्डा एम इन्फाइनाइट एल प्लस थ्री प्लस 3 लैम्डा एम इन्फाइनाइट एसओ फोर माइनस टू। क्यों, क्योंकि एक मोल ये टूटेगा तो दो मोल ये प्रोड्यूस करेगा और तीन मोल ये प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर मैं इसके लिए लैम्डा ई इन्फाइनाइट लिख देता हूं एल टू एसओ फोर होल थ्री, तो ये हो जाएगा लेमडा ई इन्फाइनाइट एल प्लस थ्री प्लस लेमडा ई इन्फाइनाइट एसओ फोर माइनस टू। क्योंकि अगर एक इक्विवेलेंट ये पानी में जाएगा तो एक इक्विवेलेंट ये प्रोड्यूस करेगा और एक इक्विवेलेंट ये प्रोड्यूस करेगा, तो ई में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की आवश्यकता नहीं है, एम में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की आवश्यकता नहीं है। और कोलरॉयश लॉ लगा रहे हैं अपन, तो ये जरूरी है कि इन्फाइनाइट ऊपर होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ वैलिड है इन्फाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, समझ रही बात हो, और इन्फाइनाइट डाइल्यूशन में वीक और स्ट्रॉन्ग में कोई फर्क नहीं होगा। कि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन वैलेंस फैक्टर, इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि जैसे मैं लेता हूं एल टू एसओ फोर होल थ्री, एल टू एसओ फोर होल थ्री सोल्ट के लिए बैलेंस फैक्टर होगा 6, ठीक। इसका मतलब लेमडा ई इसके लिए एल टू एसओ फोर होल थ्री मस्ट बी इक्वल टू लेमडा एम एल टू एसओ फोर होल थ्री डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए 6। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या आएगा, लेमडा ई एल प्लस थ्री प्लस लेमडा ई एसओ फोर माइनस टू, और अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं तो ये आएगा 2 लेमडा एम एल प्लस थ्री प्लस 3 लेमडा एम एसओ फोर माइनस टू डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ रहा है 6। मैं डिवाइड कर दूं इसे तो लेमडा एम एल प्लस थ्री अपॉन यहां आ जाएगा 3 प्लस लेमडा एम एसओ फोर माइनस टू यहां जाएगा 2। यहां से आप ये देख सकते हैं कि ये वाली चीज किसके बराबर होने वाली है इसके, और ये वाली चीज किसके बराबर होगी इसके। तो ये प्रूव हो गया
कि जो अपन वैलेंस फैक्टर कर रहे थे वो सही है। तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट लिखोगे तो सिर्फ अपन को जोड़ देना है केटायन और एनायन को, और मोलर लिखोगे तो आपको क्या करना है यहां पे कि कोफिशियंट भी साथ में लिखने। वैलेंस इफेक्टर सॉल्ट का अपन देख चुके हैं, टोटल चार्ज ऑन केटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन एनायन, ये वैलेंस इफेक्टर हो गया। इन दोनों में रिलेशन ये हो गया, ठीक है ना, और ये प्रूफ हो गया कि मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। और मैंने केटायन और एनायन का वैलेंस क्या बताया था, लैम्डा ई का रिलेशन, कि लैम्डा ई बराबर लैम्डा एम अपॉन चार्ज ऑन केटायन या एनायन। तो जो चार्ज दिखाई दे रहा है वही यहां पे नीचे आ जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी लैम्डा ई, ये चीज बन जाएगी लैम्डा ई। तो ये प्रूफ हो गया कि रिलेशन दोनों में आपस में क्या होने वाला है। एग्जाम्पल है हमारे पास, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। CH3COOH एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या पूछा हमसे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और गिवन है हमारे पास लैम्डा इनफाइनाइट ई फॉर CH3CO होल ट्वाइस BA इज इक्वल टू एक्स वन लैम्डा ई इन्फाइनाइट बी ए सी एल टू इज इक्वल टू एक्स टू लैम्डा ई इन्फाइनाइट एस सी एल बराबर एक्स थ्री। अब देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान सोचोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ये निकालना है मुझे इन तीनों की सहायता से, बोलो आंसर क्या होगा इसका। सीधा आंसर की बात करते हैं, क्या आंसर होगा बोलो। एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ये सिंपल इसका आंसर होगा। कैसे होगा देखो, ये समझ लो, मुझे क्या करना है, इसके लिए निकालना है लैम्डा इन्फिनिट। तो लैम्डा ई इन्फाइनाइट सी एस थ्री सी डबल ओ एच बराबर हो जाएगा लैम्डा ई इन्फाइनाइट सी एस थ्री सी ओ माइनस प्लस लैम्डा ई इन्फाइनाइट एच प्लस, सही है। इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर ए नाम देता हूं, ठीक। ये मुझे निकालना है, ये जो डेटा दे रखा है, मैं एक्स वन को क्या लिख सकता हूं, लैम्डा ई इन्फाइनाइट सी एस थ्री सी ओ माइनस। अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख रहा हूं तो कोफिशियंट की कोई आवश्यकता नहीं मुझे, और यहां जाएगा लैम्डा ई इन्फाइनाइट बी ए प्लस टू, ठीक। ये हो गई इक्वेशन नंबर वन। इसके बाद इसके लिए लिखूं मैं तो एक्स टू बराबर लैम्डा ई इन्फाइनाइट यहां जाएगा बी ए प्लस टू और प्लस लैम्डा ई इन्फाइनाइट सी एल माइनस, इक्वेशन नंबर। इसके बाद मैं इसके लिए लिख दूं तो x3 थ्री इज इक्वल टू लैम्डा ई इन्फाइनाइट एच प्लस प्लस लैम्डा ई इन्फाइनाइट सी एल माइनस, इक्वेशन नंबर थ्री। अब a लाने का हमारे पास क्या तरीका है कि हम 1 प्लस 3 करके उसमें से 2 माइनस कर दें, ठीक। इसके लिए लैम्डा ई किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, लैम्डा ई सी एस थ्री सी ओ एच के लिए। तो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू, वैल्यू रख दी मैंने ऐसी की सी। ध्यान देना ये यहां लाना है मुझे और एच प्लस भी इसी साइड लाना है, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़कर अब यहां जोड़ने के बाद बी ए प्लस टू बचेगा यहां, उसको क्या करूं यहां से एक्स टू को माइनस कर दूं तो बी ए प्लस टू कट जाएगा, इधर से सी एल माइनस भी कट जाएगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि ये लाना है इन तीनों की सहायता से, तो अपन ने रिलेशन ये फाइंड आउट करके ये निकाल लिया, ठीक। सबको समझ में आ गया, मोलर कंडक्टिविटी
ऑफ CH3COH एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, और हमें डेटा दे दिया लेमडा एम इन्फाइनाइट CH3CO होल ट्वाइस BA बराबर X1 लेमडा एम इन्फाइनाइट BaCl2 इज इक्वल टू X2 लेमडा एम इन्फाइनाइट HCl बराबर X3। वहां उस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट दिया हुआ था, यहां मोलर दिया हुआ है सारा डेटा। अब अगर मान लो मुझे निकालना हो इसके लिए, तो बताइए आंसर क्या होगा, बताइए। थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएंगे तो यहीं से अपन बता सकते हैं आंसर इजीली। X1/2 माइनस X2/2 प्लस X3 सही आंसर है। अभी देखते हैं कैसा है, कि हमें लेमडा एम इसके लिए निकालना है, तो एक्सप्रेशन मुझे लाना है, ये इक्वेशन ए मान ली मैं, ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने जो भी एक्स या वाई मान लें अपन, कि ये वाई निकालना है मुझे, ठीक इज इक्वल टू वाई मुझे निकालना। अब हमें दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी एसिडिक CH3CO होल ट्वाइस BA की, तो यहां 2 आ जाएगा और यहां सिंपल 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये टूटेगा, दो आयन तो ये देगा CH3CO होल ट्वाइस के, ठीक है ना, इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी लिखने समय कोफिशियंट आ जाएंगे साथ में। जब आप BaCl2 के लिए लिखोगे तो यहां आ जाएगा 2Cl-, और जब आप HCl के लिए लिखोगे तो ऐसा कैसा ही होगा, यानी कि अब मुझे ये चीज लानी है यहां पर, तो मुझे इसको डिवाइड करना चाहिए 2 से, तभी आ पाएगी, ठीक ना। अच्छा, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो Ba+2 के साथ 2 आएगा, तो उस Ba+2 के डिवाइड बाय 2 को हटाने के लिए अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो यहां डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा मुझे, यानी मैं ऐसे बोलूं कि A लाना है मुझे, तो मुझे 1/2 करना पड़ेगा, माइनस 2/2 करके प्लस थर्ड इक्वेशन जोड़ दूं मैं, तो वैल्यू ऐसी कैसी रख दूं मैं कि वाई इज इक्वल टू X1/2 माइनस X2/2 प्लस X3। भाई बात समझ में आई क्या, सब लोग बोलो, हमें ध्यान रखना है यहां क्या लाना है, यहां 1 लाना है, इस इक्वेशन में कितने 2, तो दिस मस्ट बी डिवाइड बाय 2। अच्छा, 2 से डिवाइड करते हैं अपॉन 2 यहां आएगा, उसको हटाना है मुझे, तो डिवाइड बाय 2 ये होते ही इसको यहां पे मैं अगर माइनस कर दूं तो हट जाएगा, ठीक है, तो माइनस करते समय मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो X2/2 हो जाएगा, यानी X1/2 माइनस X2/2, और ऐसा कैसा H+ आ रहा है तो मैं इसको तो ऐसे ही जोड़ दूं, तो डिवाइड बाय, तो ये है मोलर कंडक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल।